कृष्णा, इतिहास की एक ऐसी परछाई जो इतिहास के पहले से थी, अब भी है और आने वाले कल में भी होगी, जिनकी नॉलेज और क्रिएटिविटी की कोई बाउंड्रीज नहीं थी, चाहे फिर वो योगा हो या युद्ध, वेद हो या मेटावर्स, अ सोल विच इज ओल्डर दैन सन एंड यंगर दैन अ फ्लावर बड। तो कृष्णा के लाइफ एक्सपीरियंस से हम अनगिनत चीजें सीख सकते हैं, लेकिन क्या हम इन चीजों को सीख कर आज मॉडर्न डे में हमारे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं? वेल गाइज, इस वीडियो में हम 5 कृष्णा रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को देखने वाले हैं। ऑल्सो इन द एंड ऑफ द वीडियो आई विल गिव यू द बोनस कृष्णा नीति, सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। ट्रू लव एंड सेपरेशन। आज के मॉडर्न डे में ट्रू लव मिलना जितना डिफिकल्ट है, उतने ही स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी वाला ट्रू लव राधा और कृष्णा के बीच था, जो दोनों बचपन से साथ रहे और जिसके लिए कृष्णा ने बचपन से बांसुरी बजाई। वो दोनों अलग हो जाते हैं और फिर राधा की शादी किसी और से फोर्सफुली की जाती है, बट फिर भी ओल्ड एज में राधा कृष्णा के पास आती है और अपने लास्ट मोमेंट्स में उनसे बांसुरी सुनती है। Isn't it strange? No matter what, राधा कृष्णा फिजिकली साथ हो या ना हो, मेंटली इमोशनली बाय हार्ट बाय सोल वो कभी अलग ही नहीं हुए थे। There is no such example of true love. But राधा कृष्णा अलग हुए ही क्यों थे? क्योंकि कृष्णा को उनके कर्म करने थे, not for his personal enjoyments, but for the betterment of the society and for the wellness of his own family. और वृंदावन को छोड़ते हुए कृष्णा ने सिर्फ राधा को नहीं बल्कि अपनी यशोदा माँ को भी छोड़ा था, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा था। कृष्णा के छोड़ जाने के बाद राधा और यशोदा माँ का हाल तो हम जान ही सकते हैं। हमें भी कभी कभी फॉर द बेटरमेंट हमारी पसंदीदा चीज़ें छोड़नी पड़ती है। मे बी अवर पेरेंट्स, आवर फैमिली, आवर होम, लव लाइफ, आवर जॉब, आवर ड्रीम एंड वॉट नॉट। So, गलत रास्तों पे चलने के बजाय what else can hold us right other than the story of Krishna's separation? Live anything that drains your energy. Don't take efforts for anything that does no betterment. कंस को मारने के बाद जरासंध मथुरा पर काबू कर रहा था और सिंपली कृष्णा ने जरासंध को कई बार हरा दिया था, बट फिर भी जरासंध ने अटैक करना छोड़ा नहीं था, जिससे कोई स्पेशल रिजल्ट्स तो नहीं मिलते थे, लेकिन बस यादव क्लैन की एनर्जी ड्रेन होती थी। So Krishna took all the people of Mathura to Dwarika to keep them all safe. So hard work important to hai, but aisi jagah hard work jahan se koi special results na mile to use na karne mein hi bhalai hoti hai. Karm karo aur phal ki chinta mat karo. This has really distinct theories. Karm karenge to phal ki chinta hogi hi, it's natural. Agar aap karm kar rahe ho aur aapko phal ki chinta hi nahi hai, to you will be clueless, you will be unconscious. कृष्णा ने सोने की द्वारिका बनाई थी तो क्या उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि मथुरावासी वहाँ पर हैप्पीली रहेंगे? पीपल मिसअंडरस्टैंड दिस एज कर्म करते रहो फिर फल मिले तो सही, ना मिले तो सही, बट इट्स नॉट लाइक दैट। लेट्स डीप डाइव इनटू इट। कृष्णा मेंट दैट कि आप जब कर्म करते हो किसी फल के लिए तो वो फल ऐसा हो जो पूरा वर्ल्ड खा सके, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। वो ऐसा ना हो कि वो बस आपके खुद के लिए हो। सपोज आप कर्म करते हो और उसमें अपना 100% देते हो तो फल मिलेगा, ये पक्का हो जाता है। लेकिन अगर आप कर्म करते हुए फल की चिंता या फिर किसी और चीज की चिंता करते हो तो आपका कर्म का 100% में से कुछ कम होकर उसमें चला जाता है। सो फल मिलेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है, क्योंकि कर्म में आपने 100% नहीं दिया। सो बेसिकली कृष्णा मेंट टू से कि आप पूरी तरह से कर्म में कॉन्सेंट्रेट करो व्हेन यू आर डूइंग द कर्म। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भु माते संगोत्स्व कर्मणि। कर्म करते हुए बस फल के बारे में मत सोचो, दैट्स इट। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय हाउ एवरग्रीन द रिजल्ट्स विल बी। कर्म करते हुए उससे मिलने वाले फल के बारे में कोई डिजायर मत रखना, जस्ट एक्सपीरियंस द प्रोसेस, दैट्स इट। कंट्रोल योर इंद्रियाज, इट मींस योर सेंसेस। कृष्णा प्रैक्टिस्ड हाईएस्ट लेवल ऑफ मेडिटेशन ऑल हिज लाइफ। महायोगी, ही अटेंड हाईएस्ट लेवल ऑफ मेडिटेटिव माइंड। कृष्णा ने अपने सेंसेस को कंट्रोल किया था। वंस ही सेड कि उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम में से किसी के पास ना हो। द डिफरेंस इज जस्ट दैट कि उन्होंने अपने सेंसेस को कंट्रोल करके रखा है, नॉट फॉर द पर्सनल एंजॉयमेंट्स बट ह्यूमन बींग्स की प्राइम नेसेसिटीज को समझते हुए। हम सब बिना किसी मकसद के एक रैट रेस में है, वी आर जस्ट फ्लोइंग विद द फ्लो। बट मेडिटेशन और योगा, इन सब चीजों से हम हमारे इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं।
to find our real purpose. I don't know how to do it. No one knows, to be honest. It's just the ability to sit and empty the mind of all the thoughts. मिले हुए एक फेलियर से जब हमारा माइंड अनस्टेबल नहीं होता है और मिले हुए एक सक्सेस से जब हमारे दिमाग में हवा नहीं जाती है, that's when we achieve the highest peak level of mental stability. कर्मा फल थ्योरी. हम कोई भी कर्मा करते हैं तो उसके इन रिटर्न्स हमें मिलना ही मिलना है. इट्स द रूल ऑफ यूनिवर्स. वॉट एवर यू डू इट कम्स टू यू. इफ यू बिलीव इन यूनिवर्स यू नो दैट एनीथिंग हैपन्स इट हैपन्स फॉर गुडनेस. कृष्णा जरासंध को मार भी सकते थे बट उसको राइट टाइम पे भीम के हाथों मरवा कर युधिष्ठिर को आर्यवर्त का सम्राट बनाना, दिस वॉज ऑल प्लान्ड बाय कृष्णा. सो इसलिए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. नाउ इट्स द टाइम फॉर बोनस पॉइंट विच इज प्लेफुलनेस. एनीथिंग यू कैन डू टू एक्सपीरियंस कृष्णा इज प्लेफुलनेस. कृष्णा से सब कुछ छीन गया था, यशोदा माँ, राधा और बहुत कुछ, बट वो हर कुछ फ्रॉम जीरो रिबिल्ट कर सकते थे जस्ट बिकॉज ऑफ हिज जेंटल स्माइल. नो मैटर वॉट हैपन्स इन योर लाइफ, बी प्लेफुल एंड कैरी अ जेंटल स्माइल लाइक कृष्णा. So if you are a Krishna devotee, you must like this video and you should share this video with your friend devotees and comment below what is your thought of Krishna. The next video is waiting for you. Till then, subscribe to Pranjalogics and press the bell icon.